हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब देखो क्या है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्योर सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती है। मैंने ये बताया था कि 10^5 टाइम्स क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है यदि क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। लेकिन क्या है, यदि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आप उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, उसका यूज जो है लिमिटेड यूज होता है। तो यदि अब मुझे क्या करना है, ज़्यादा यूज करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पी और एन टाइप को सेमी मटेरियल में क्या करते हैं, सैंडविच कर देते हैं, ठीक है। और उससे एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं और सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड को क्या करेंगे कि सेमी मटेरियल में एक तरफ हम क्या देखें, पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज करें और एक टाइप क्या करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज करें। पी टाइप में क्या होता, क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वाइल एन टाइप में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जब क्या होगा, आप सैंडविच करोगे तो क्या होगा कि पी टाइप से क्या होगा, होल जो होगा एन के तरफ क्या होगा, डिफ्यूज होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा एन से क्या होगा, पी के तरफ क्या होगा, डिफ्यूज होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि रिकम्बिनेशन भी होता है ना, और बीच में क्या होता है, एक डिप्लेशन रीजन जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, जिसमें ई मोबाइल चार्ज करियर क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। मोबाइल नहीं, मूव नहीं कर सकते, वो उसी में इम्बेडेड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर करते हैं, पी एन जंक्शन डायोड को बनाते हैं, ठीक है। तो पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है, तो पी एन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है, देखो एक तो सेमी टाइप मटेरियल में हम क्या करते हैं, एक तरफ क्या करेंगे, देखो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। इसमें क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होगा, एन टाइप, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है। इसका जो सिंबल होगा पी एन जंक्शन डायोड का, वो क्या होगा, कुछ ऐसे क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ये ऐसे, ये जो होता है वो क्या होता है, पी टाइप होता है, ये दिस इज पी टाइप और दिस इज क्या होता है, एन टाइप होता है। क्या होता है, पी टाइप एंड क्या होता है, एन टाइप होता है, ठीक है। क्या होता है, पी टाइप एंड एन टाइप। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड। तो अब देखो क्या होगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना, पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो पी एन जंक्शन डायोड हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सेमी मटेरियल में एक तरफ क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज करेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, एंड उसके डिफ्यूजन से क्या होगा, पी एन जंक्शन डायोड बनता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन क्या होगा, इसको हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। तो पी एन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, पी एन जंक्शन देखो क्या क्या होता है प्रोसेस। हमने क्या किया, एक सेमी मटेरियल लिया है ना, उसमें हमने क्या किया, एक तरफ देखो ध्यान से क्या होगा, इधर क्या है, इधर हमने क्या किया, इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, और इधर क्या होगा, एन टाइप, सैंडविच किया, ठीक है। तो पी टाइप में क्या होगा, इधर जो होगा वो क्या होगा, होल जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा,
इसका मतलब ये नहीं है कि पी टाइप में क्या होता है इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यार, होता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझ में आया ना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया ना? इधर क्या होगा, एन टाइप में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सॉरी होल नहीं होगा, होल होगा। समझ में आया ना क्या होगा? होल होगा, ठीक है। लेकिन पी टाइप में क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है तुम्हारा? अब हमने क्या किया, देखो ये क्या करोगे, इधर पी टाइप में क्या है, जब आप पी टाइप में क्या है, मेजोरिटी चार्ज करियर क्या है, होल है, और माइनॉरिटी चार्ज करियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब क्या करोगे, जस्ट आफ्टर, आई मीन जैसे इधर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आप सैंडविच करोगे और उसके जस्ट बाद छोड़ोगे तो क्या होगा कि डिफ्यूजन। देखो इधर पी साइड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, किसका ज्यादा है, होल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। वाइल एन साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ड्यू टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्या होगा, होल जो होगा वो क्या होगा, पी साइड से क्या होगा, एन तरफ क्या होगा, डिफ्यूज होगा। वाइल इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, एन साइड से क्या होगा, या एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ क्या होगा, डिफ्यूज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इधर से जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से होल से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, आई मीन रिकम्बाइन करेगा, और क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, ये जस्ट समझ में आना, जस्ट आफ्टर जैसे ही हमने क्या किया, पी और एन टाइप क्या किया, सेमीकंडक्टर को छोड़ दिया, तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम क्या होगा, P side, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, वाइल होल विल मूव क्या होगा, फ्रॉम पी साइड टू क्या होगा, एन साइड। तो यहाँ कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, इन क्या होगा, इन पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, होल इज क्या होगा, हाई, एज क्या होगा, कंपेयर टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वाइल क्या होगा, वाइल इन क्या होगा, इन एन टाइप सेमी कंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा, हाई, एज क्या होगा, एज कंपेयर टू क्या होगा, एज कंपेयर टू होल्स, हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, ड्यू टू क्या होगा, हेंस देयर एग्जिस्ट ए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, हेंस कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम एन साइड टू क्या होगा, पी साइड एंड क्या होगा, एंड होल विल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, पी साइड टू क्या होगा,
एंड साइड। समझ में आया ना, किसकी वजह से? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, इधर से क्या होगा, डिफ्यूज करेगा, ठीक है। सॉरी, होल जो होगा क्या होगा, पी साइड से एन साइड की तरफ क्या होगा, डिफ्यूज होगा। वाइल इलेक्ट्रॉन जो होगा एन साइड से क्या होगा, पी साइड की तरफ क्या होगा, डिफ्यूज होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, डिफ्यूज होगा तो जंक्शन पे क्या हो जाएगा, हेंस क्या होगा, इन पी। अब डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल का क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा, क्या होगा, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम्स, सम टाइम्स का मतलब क्या हुआ, नैनो सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ, आई मीन नैनो सेकंड के जस्ट बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स, इन क्या होगा, इन पी टाइप, पी साइड, पी साइड, देयर इज ए इमोबाइल, इमोबाइल इलेक्ट्रॉन, वाइल क्या होगा, वाइल एन साइड, एन साइड, देयर आर क्या होगा, देयर आर, देयर आर क्या होगा, ई मोबाइल क्या होगा, ई मोबाइल होल्स, ठीक है, क्या होगा, ई मोबाइल होल्स। हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट। तो क्या होगा, द, अब इससे क्या होगा कि अब देखो क्या होगा, पी साइड की तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पी साइड के तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जिसे मैं दिखा रहा हूं यहाँ क्या होगा, तो थोड़ा तुमको समझ में आएगा। इधर क्या होगा, ये क्या होगा, देखो इधर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो जंक्शन है ये डिवाइड, इधर क्या हो गया, होल, ठीक है, क्या है, होल है, देखो इधर इलेक्ट्रॉन, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है, इधर क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो जाएगा, होल, होल जो एक्ट करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ अगेन क्या हो जाएगा, ई ई ई ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कुछ होल रहेंगे इधर, ऐसा नहीं है कि होल नहीं रहे, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, पी टाइप, और ये क्या हुआ, एंड। अब क्या होगा, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, अब देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर से जब चार्ज क्या होगा, देखो इधर से क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन, अब देखो इनिशियली क्या होगा, इन द बिगिनिंग क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया ना, क्योंकि इधर से होल से क्या होगा, होल से क्या होगा, जो क्या होगा, आई मीन पी साइड से क्या होगा, चार्ज क्या होगा, डिफ्यूज होगा बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, होल को क्या करेगा, रोकेगा। होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो होल को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है, क्या करेगा, होल को रोकेगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि क्या होगा, चार्ज का जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसके, अब तुमको मालूम है कि दो तरह के करंट होंगे यहाँ, एक क्या होगा, डिफ्यूज करंट, और दूसरा क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्यों होता है, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, वजह से क्या होगा, डिफ्यूज ड्रिफ्ट करंट होगा। समझ में आया ना, ड्रिफ्ट करंट हमने कहाँ पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, दो करंट होगा, एक क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, और इधर से क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट।
समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन कुछ क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, इधर से उधर भी क्या होंगे, जाएंगे, जिसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना यार, तो इधर ड्रिप करंट होगा और इधर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, इसको क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन। तो क्या होगा, पी साइड क्या होगा, इन फ्रॉम पी साइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल विल डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड, व्हाइल क्या होगा, फ्रॉम क्या हो जाएगा, एन, व्हाइल फ्रॉम एन साइड इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज टुवर्ड्स क्या होगा, पी साइड। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये समझ में आया ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ क्या होगा, चार्ज विल क्या होगा, विल स्टॉप, ठीक है, समझ में आया ना, क्या होगा, चार्ज विल क्या होगा, स्टॉप, एंड वन जंक्शन एक विल फॉर्म, क्या होगा, दैट जंक्शन इज कॉल्ड, इसीलिए इसका नाम है पीएन जंक्शन, इसको क्या एक जंक्शन फॉर्म कर रहा है, जहां क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या इमोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिफ्यूजन और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन और क्या होगा, ड्रिप करंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और नेट करंट को इनिशियल कोई पूछे तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट क्या होगा, ड्यू टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, और ड्रिप करंट क्या होगा, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया ना। तो इन इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन ऑफ चार्ज विल स्टॉप और ये जंक्शन विल फॉर्म, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तब यहां देखोगे क्या होगा कि विड्थ ऑफ द क्या होगा, डिप्लीशन रीजन, अब देखो यहां हम लिखेंगे दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ ऑफ द रीजन, क्या होगा, विड्थ ऑफ रीजन इन विच इमोबाइल क्या होगा, इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन नियरली जो होता है वो कितना होता है, समझ में आया ना, आई मीन जो रीजन जहां क्या होगा इमोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट होंगे, वैसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। तो क्या होगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डोपिंग, क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डोपिंग, ग्रेटर द क्या होगा, डोपिंग, हाईली डोप जो होगा पीएन जंक्शन डायोड होगा तो उसका विड्थ क्या होगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या होगा, कम होगा, समझ में आया ना। उसके बाद क्या होगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंड। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑल्सो क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंड करता है, जब क्या होगा, एज क्या होगा, एज टी इंक्रीजेस विड्थ ऑफ
डिप्लीशन रीजन क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि नियरली क्या होगा, नियरली विड्थ ऑफ डिप्लीशन डिप्लीशन रीजन रीजन इस क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, आई मीन क्या हो जाएगा, देखो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, 10^-6 मीटर होता है, ये याद रखना है। ठीक है, क्या होगा विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन जो होगा वो क्या होगा, अब देखो बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, समझ में आया ना, बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, जंक्शन के अक्रॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिपेंड। अब देखो ये क्या होगा, पी टाइप क्या होगा, हायर पोटेंशियल, और एन टाइप क्या होगा, सॉरी पी टाइप लोअर पोटेंशियल, और एन टाइप क्या होगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस द क्या होगा, जंक्शन इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, क्या होगा, इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। इसकी जरूरत है, बाद में मैं यहां लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल और नी वोल्टेज और क्या होगा, कट ऑफ वोल्टेज, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट वोल्टेज भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस अपीयर अक्रॉस पीएन जंक्शन इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, फॉर क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल का वी बी क्या लिखेंगे, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए होता है, फॉर सिलिकॉन, और क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होता है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसके लिए होता है, फॉर जर्मेनियम। ठीक है, क्या होगा, जर्म, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना एग्जिस्ट करेगा, देखो यहां से बता सकते हो तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना एग्जिस्ट करेगा, देखो नियरली जो होगा ऑन एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द क्या होगा, इन द डिप्लेशन रीजन, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई क्या हो जाएगा, V बाई क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, V कितना है, नियरली हम क्या कंसीडर करते हैं, 0.5 इंटू क्या लिखेंगे, 10^-6, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा, 10^5 वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हेंस वेरी क्या होगा, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अक्रॉस द क्या होगा, अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, जंक्शन के अक्रॉस जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, एंड इसके वजह से क्या होता है, चार्ज का जो मूवमेंट होता है क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का डायग्राम कैसे हो, आप देखो क्या होगा, ठीक है, नियरली समझ में आया ना, अब यहां जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो यही क्या है तुम्हारा, ये जंक्शन होगा,
ठीक है। तो यहाँ तीन ग्राफ मैं बता देता हूँ, कभी कभी पूछा जा सकता है तुमसे, ये तुमको क्या करना है याद रखना है, ठीक है, कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, याद आया ना, चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया। तो यहां चार्ज डेंसिटी देखो, इसी को हम रेफरेंस लेकर के ड्रॉ कर रहे हैं, जंक्शन। तो यहां जो चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है देखो, ठीक है, इधर क्या होगा प्लस होगा और इधर क्या होगा माइनस, आई मीन यहां क्या होगा साइनोसॉइडल होता है, ठीक है। उसके बाद यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बैरियर पोटेंशियल जब आप ड्रॉ करोगे तो इधर क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन। और यहाँ बैरियर पोटेंशियल की बात आप करोगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, ऐसे क्या होगा, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, ये बैरियर पोटेंशियल का ग्राफ है, दिस इज क्या होगा बैरियर पोटेंशियल, यानी तो ये ग्राफ कभी कभी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज क्या होगा चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज क्या होगा बैरियर पोटेंशियल। तो ये कभी कभी क्या है पूछा जा सकता है कि जंक्शन के अक्रॉस जो होगा ये, अब देखो इसका प्रूफ जो है तुमको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में तुमको वो पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी क्या है नहीं पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड क्या होगा बैरियर हाइट, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज चार्ज, इधर क्या होगा नेगेटिव चार्ज और ये क्या होगा साइनोसॉइडल होता है, समझ में आया ना, क्या होगा साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। आप तुमको क्या करना है माइंड में रखना है। उसके बाद देखो, हाँ एक पॉइंट याद रखना है, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखना है, एट इक्विलिब्रियम, एट क्या होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होगा आईडी ड्रिफ्ट करंट, हाँ पहले लिखना है देखो, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट फ्लो फ्रॉम क्या होगा, फ्लो फ्रॉम फ्रॉम पी टाइप टू क्या होगा टू एन टाइप, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट इज क्या होगा ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, डिफ्यूज करंट, ड्रिप हमने क्या लिखा, ड्रिप लिख दिया क्या, डिफ्यूजन लिखना यार, ड्रिप मत लिखना, सॉरी, डिफ्यूजन करंट, यहां भी लिखना डिफ्यूजन, ठीक है। और क्या होगा ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट इज क्या होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ क्या होगा, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द डायरेक्शन ड्रिफ्ट करंट, करंट इज ऑलवेज, ऑलवेज फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम एन टाइप, एन टाइप टू क्या होगा एन टाइप टू पी टाइप, एन टाइप से क्या होगा पी टाइप। और लिखेंगे क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होगा एट इक्विलिब्रियम आई ड्रिफ्ट, आई ड्रिफ्ट प्लस क्या होगा आई क्या होगा डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्या होगा जीरो,
समझ में आया क्या? आई ड्रिफ्ट एंड आई डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब क्या होता है जी, अभी क्या होगा? अब आपको यदि डायोड को यूज करना है ना, तो उसके लिए क्या है, यदि आप डायोड को किसी भी तरह यूज करना चाह रहे हो, आई मीन डायोड जो होता है वो जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड, या इसका यूज रेक्टिफिकेशन के लिए भी होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए भी क्या है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है? तो अब क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो बायसिंग इज द प्रोसेस इन विच वी कनेक्ट, ठीक है? तो ये तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो पॉइंट और मैं तुमको बता दूं, ठीक है? तो पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है, देखो सिंबल मैंने जैसा कि बता दिया कि ये क्या होगा, फिर से मैं बता देता हूं, देखो जनरली जो हम, ये क्या होगा तुम्हारा एन साइड होगा और दिस विल बी क्या होगा, पी साइड, ठीक है? क्या होगा, दिस विल बी एन साइड एंड दिस विल बी क्या होगा, पी साइड। सिंबल ऑफ क्या होगा, पी एन जंक्शन डायोड, और क्या होगा, और सेमी कंडक्टर कंडक्टर डायोड। बैरियर पोटेंशियल किधर था मालूम है ना तुमको, बैरियर पोटेंशियल किधर था, इधर इधर, ठीक है? ये डायग्राम मालूम होना चाहिए कि बैरियर पोटेंशियल का डायग्राम, ठीक है? बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या, एन साइड क्या होगा हायर पोटेंशियल, पी साइड क्या होगा लोअर पोटेंशियल। तो अपने आप क्या होगा, इसमें कंडक्शन नहीं होता है। अब क्या करोगे, बायसिंग हम पढ़ लेते हैं, बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। बायसिंग में क्या होता है मैं बता देता हूं कि इफ द क्या होगा, इफ द पीएन जंक्शन क्या होगा, क्या लिखेंगे, इट इज द क्या होगा, प्रोसेस प्रोसेस इन विच पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड कनेक्टेड बाई क्या होगा, बाई एक्सटर्नल एक्सटर्नल पावर सप्लाई। एक्सटर्नल पावर सप्लाई से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, बायसिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या होगा, बायसिंग। बायसिंग जो होगा वो क्या होगा, दो तरह का होगा। क्या क्या होगा, बायसिंग जो होगा वो क्या होगा, दो तरह का होगा। ये क्या होगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है? और दूसरा क्या होगा, रिवर्स बायसिंग, ठीक है? फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, ये देखना है, कल ऐसे मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद वाले क्लास में, कि देखो क्या है, पी टाइप से क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं, बैटरी का जो हायर टर्मिनल होता है उसको पी साइड, और ये क्या होता है, लोअर टर्मिनल जो होता है उसको क्या करते हैं, एन साइड कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या होगा, देखो एन साइड, और ये क्या होगा, पी साइड, ठीक है? तो यदि बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होता है, देखो कि बैटरी का क्या होगा, हायर टर्मिनल, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एन साइड, और दिस इज क्या होगा, पी साइड। तो बैटरी का हायर टर्मिनल क्या होगा, एन साइड होगा, और लोअर टर्मिनल क्या होगा, पी साइड होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। ठीक है, और जब बैटरी नहीं कनेक्टेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबायस बोलते हैं।
तो इसके बारे में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या क्या होता है उसके बारे में हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम और भी बायसिंग पढ़ेंगे और उसके बाद क्या होगा यूज अब क्या होगा पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें दो यूज पढ़ना है, जनरल पर्पस डायोड और क्या होगा स्पेशल पर्पस डायोड। तो जनरल पर्पस में क्या होता है, डायोड का यूज होता है वो रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और क्या होता है स्पेशल पर्पस में क्या किया जाता है, इसका यूज जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किया जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम और भी पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you.